गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस, आज ईद है, तो सबसे पहले ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। इस ईद में आपकी सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी हो गाइस। तो हमारी मस्जिद में गाइस 8 बजे जमात होगी, अभी 7:30 के करीब हो रहा है, तो थोड़ी देर में यहाँ से मस्जिद में निकलेंगे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, ईद में जो भी कुछ होता है आपको इस ब्लॉग के द्वारा दिखाएंगे। नमाज अच्छे से हो गई, अब आगे घर जाएंगे, किसी घर देखते हैं, शाम को निकला जाएगा घूमने। तो बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली ये लोग आ गए गाइस। खा लेंगे भाई। फाइनली ये लोग अब आए। इधर ये देख लो। नहीं, इसको बेचैनी है, घर जाना है, इसको जल्दी जल्दी खाते जा रहा है और वो सो रहा है। तो गाइस देखिए, तो गाइस कुछ स्कूल के फ्रेंड आने वाले हैं हम, जो कि 4-5 साल बाद मिलेंगे, लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं मेरे घर अभी।
तो उन्हीं का इंतज़ार है, बस रास्ते में मैसेज किया था तो पता चला आएंगे बस, तो मिलाते हैं आपको उनसे। इस स्कूल के दोस्त आ गए हैं घर पे, ये रह जिया, ये वामिक, तो खाएंगे अभी कुछ, तब यहाँ से निकला जाएगा बाहर खाने के लिए कुछ। तो गाइस धीरे धीरे करके एक एक दोस्त के घर आ रहे हैं हम। अभी कुछ लोग आए हैं देखिए पीछे मेरे, और कुछ लोग आ रहे हैं, पत्ते के घर जाना है अभी, तो चलते हैं उसके घर, मिलते हैं आपसे। तो मिलिए ताबिज से, इसके घर से आ गए हम लोग, अब उसके घर जाना है। तो बहुत दिनों के बाद रहमत से मिलते हुए गाइस, और यहाँ पे फराज ने हम लोग को बुलाया है लेकिन घर के बाहर बैठा है, बोल रहा है कि समय खत्म हो गया, बहुत की बात है, दुख की बात है बहुत ज्यादा। अभी कुछ दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं बस, उसके बाद थोड़ी देर में चले रहे। फाइनली फराज के घर आ गए गाइस, ये देखिए हारा पीछे, इधर भी एक गाइस दही वाला। तो गाइस देखिए आज ईद है, और ईद पे समय से ज्यादा छोले पे पड़ते हैं लोग, बस आज कुछ ज्यादा ही नहीं छोला, बस दसवा है आज का, बहुत दुख की बात है। तो अभी शुरुआत ही किए हैं, दसवा प्लेट है, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मार दूंगा आज, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लास्ट तक ब्लॉग देखने के लिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नए ब्लॉग में, तो तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।